हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षास परफेक्ट प्लेट। और आज बनाने वाले हैं बहुत ही स्पाइसी वेजिटेबल मैक्रोनी की रेसिपी, जो कि बहुत इजी है बनाना, कोई भी एक्स्ट्रा सॉसेस बनाने का झंझट नहीं है और बहुत टेस्टी लगता है ये खाने में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैक्रोनी बनाने के लिए यहाँ मैंने 1.5 लीटर पानी गर्म किया और इसमें डाल दिया थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा नमक, और साथ में डाल देंगे मैक्रोनी। तो आप, मैं यहाँ मैक्रोनी यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो यहाँ पे कोई भी शेप का पास्ता यूज़ कर सकते हो। और इसे बॉईल होने देंगे जब तक कि 90-95% कुक नहीं हो जाता। इसके बाद इसका सारा पानी स्ट्रेन कर देंगे और इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा ठंडा पानी, सो दैट जो हीट है इसमें अपना जो मैक्रोनी है वो और कुक ना हो, वरना ये बहुत सॉफ्ट सा हो जाएगा और मशी सा हो जाएगा। इसे साइड में रखेंगे और ये जो पास्ता का वाटर है इसे थोड़ा सा बचा के रखिएगा, हमें आगे यूज़ करना है। यहाँ थोड़े से ऑयल में मैंने डाल दिया है 1 टेबलस्पून जितना बटर। गर्म होने के बाद डाल दिया है गार्लिक और ग्रीन चिली। इसको थोड़ा सा कुक करेंगे, कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा कुक करने के बाद डाल देंगे इसमें 1 प्याज, और साथ में जो वेजीज आपको खानी है वो आप इसमें डाल दीजिए। मैंने डाली है कैरेट और कैप्सिकम, आप इसमें ब्रोकली और पत्ता गोभी कुछ भी ऐड कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। इसे हाई फ्लेम पे कुक करेंगे ऑलमोस्ट 2 से 3 मिनट के लिए, और डाल देंगे इसमें टमाटर और नमक। टमाटर को अच्छे से कुक करेंगे जब तक टमाटर थोड़े से सॉफ्ट नहीं हो जाते, तो यहाँ आप इसे कवर करके भी कुक कर सकते हैं। तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए कवर करने वाली हूँ सो दैट जल्दी कुक हो जाए और सब्जियाँ भी थोड़ी बहुत सॉफ्ट हो जाएँ। तो यहाँ पे 2-3 मिनट बाद मैंने ढक्कन हटाया है और टमाटर जो है हमारे वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, कुक हो गए हैं। और इसमें डाल देंगे हम कुछ सॉसेस। तो जैसा मैंने कहा था, अलग से कोई सॉस बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून जितना शेज़वान सॉस, और साथ में 1 टेबलस्पून केचप। तो आप चाहें तो शेज़वान सॉस की जो क्वान्टिटी है वो बढ़ा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी और ज़्यादा सॉसी चाहिए तो, और इसमें मेयोनीज भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। इसके बाद डाल दिया है मैंने ऑरिगेनो और ब्लैक पेपर पाउडर। इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा कुक कर लेंगे अपनी सॉसेस को, और इसके बाद डाल देंगे इसमें बॉईल की हुई मैक्रोनी। और मैक्रोनी डालने के बाद थोड़ा सा मैं पानी डाल रही हूँ जो हमने पास्ता वाटर थोड़ा सा बचा के रखा था जिसमें बॉईल किया था वो वाला। इसे मिक्स करेंगे अच्छे से और कुक करेंगे हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता और सारे मसाले मैक्रोनी को अच्छे से कोट नहीं कर लेते। और बस हमारी स्पाइसी मैक्रोनी बनके तैयार है। इसे गर्मा गर्म सर्व करिए, थोड़े से धनिया से मैं गार्निश कर रही हूँ, और इंजॉय करिए, सबको बहुत पसंद आएगा। इसे आप अपने बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। तो हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।